चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है, उन्हीं कमीशन के बदौलत वे इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना यह है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, BSNL हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे, हम पटना में बात करते हैं। जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह सटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पर कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं झोला लेकर के 5 दुकान में हम किसान नहीं हैं, लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं और हम ये जानते हैं कि किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, आप सोचिए कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। तो जो मशरूम वो खाते हैं, मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते, तब इनको समझ में आता कि किसान आज किन परिस्थितियों से। BSNL के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो जनाधन करा रही थी। जब से BSNL समाप्त हो गया है तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका MRP तय कर सकते हैं तो क्या किसान अपने फसलों का MSP नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि MSP समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी MSP से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार